Hey guys, welcome back to my channel Bevin. Now we start our new story. Welcome back to my channel और आज मैं first cooking vlog डाल रही हूँ. तो अगर आपको अच्छा लगे तो मैं उसको बताऊंगी. हमारी मास्टर शेफ मम्मी बताएंगी कैसे बनाएंगी आवाज़ें. और ये हम बना रहे हैं बैगन आलू. ओके, तो कैसे बनाते हैं मम्मी हमें बताएंगी और मैं बनाऊंगी. अब देखते हैं मम्मी को अच्छा लगता है मेरे हाथ से खाना मतलब सब्जी या नहीं. पहले हम जीरा डाल देंगे. पहले हम जीरा डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे. अब क्या डालेंगे? सब्जी डाल देंगे. टमाटर नहीं है हमारे पास तो टमाटर नहीं है भी नहीं है खत्म हो गया तो हम अब सब्जी डाल आप ही डाल सरसों का ऑयल डाला, फिर जीरा डाला, थोड़ा बहुत वो छीके मारते हैं. पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और वीडियो को. नमक मसाला सब्जी मसाला हल्दी डालू इतनी डालू एक चम्मच धनिया पाउडर धनिया पाउडर और फिर ये एक चम्मच मिर्ची थोड़ा कम आधा चम्मच. ओके, अब ये गरम मसाला और अब नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे कि थोड़ा सब्जी में टेस्ट आ पाए. थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हम सूखी सब्जी बनाएंगे थोड़ा सा इसमें पानी. तो अभी हम मिक्स कर रहे हैं मम्मी तो बता रही है. मिक्स कर दिया थोड़ा सा पानी डालो. जग रहा लेट डालती अब कितना डालना है? थोड़ा सा बस. ओके, हम चला देंगे. ये थोड़ा ज्यादा पतली नहीं बनाएंगे मतलब इसलिए क्योंकि हमारी सब्जी लगे नहीं. ज्यादा सूखी नहीं बनाएंगे, ज्यादा पतली नहीं बनाएंगे, मीडियम. अब हम इसे ढक देंगे थोड़ी देर पहले ढक देंगे फिर थोड़ी देर में ये हम कुछ और काम कर लेते हैं. सब्जी बन गई है थोड़ी ना तब तक मम्मी आटा गूंथेगी. गैस ना ज्यादा तेज करनी है ना ज्यादा स्लो करनी है, मीडियम साइज सेम बस. अब हम आटा लगाएंगे तो आटा मम्मी लगा. मैंने एक बार ट्राई करा था, मेरा बहुत ज्यादा टाइट बना था आटा. फिर मम्मी ने बनाया था. आज लेट हो गए हम लोग खाना इसलिए क्योंकि पापा गए थे थेरेपी पे पापा जी. और फिर मैं स्कूल से अपने लिए ड्रेस लेकर आई थी. नाश्ता नहीं कर पाए थे अभी नाश्ता करा है 12 बजे. फिर अभी हम खाना बनाएंगे थोड़ी देर बाद, इसलिए हम अभी खाना थोड़ा लेट कर दिया. अभी लोटिया में पानी डालना ना बोतल से लो थोड़ा सा आटा निकाल दिया हमने पलोता. ये आटा है इसमें से थोड़ा सा पलोता निकाल दिया रोटी के लिए. अब इसमें हम क्या डालेंगे? नमक ऊपर है. नमक उसमें भी तो था, उसमें खत्म हो गया. हम इतना सा नमक लेंगे. अगर ज्यादा लोग होते तो हम नमक ज्यादा डालते, थोड़े लोग 4 लोग हैं तो 4 लोगों के बराबर डालेंगे वरना ज्यादा खट्टी हो जाएगी. ओके,
इसको मिक्स करेंगी मम्मी अपने हाथों से। नमक और आटे को हमने मिक्स कर लिया है। हम लोग थोड़े से ही लोग हैं ना, हम चार ही हैं, इसलिए मैंने आटा थोड़ा लिया है। फिर शाम को खाएंगे और लेंगे। हमारे पास आरो नहीं है, इसलिए आरो की बोतल है जो आती है। अभी थोड़ा पानी लेके मंगाएंगे, शायद आज को हो जाएगा, कल मंगाएंगे। अब हम आटा लगाना स्टार्ट करते हैं। देखो पानी डाल के बनाओ। ठीक है दोस्तों, हम खाना बना लेते हैं। बाय बाय। ओके बाय।